कोरोना के उसमें ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया कि जो 108वां ये किसान मेला है इसको हम दो तरीके से करेंगे। तो हम उनको पर्सनली ही कॉन्टेक्ट करके लोगों से स्टेट पर पूछ रहे हैं भाई ये बीज अवेलेबल हैं इस वैरायटी में, किसको क्या चाहिए, जब आप बताएंगे तो हम उतना बीज आपके नाम का बुक करेंगे। हमने बोला बीज है तो मैसेज भेजेगा मैं फलाने दिन लेने आ रहा हूँ। 15 सितंबर से बीज की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी और उनकी जो डिमांड बुकिंग है वो अब से शुरू हो रही है। तो बीजों का तो ऐसे कर लिया और ये मेले तक भी रहेगा, मेले के बाद भी खुला रहेगा, ये जब तक हमारे पास बीज होंगे हम देते रहेंगे किसानों को। मेले में मशीन है, मेले में ये है, मेले में कोई दूसरी चीज़ है, उसके लिए हमने ये सोचा कि इवेंट तो होगी वैसे रहेगी लेकिन वर्चुअल मोड में होगी। उसके लिए हमने इंतजाम किया कि हम वो जैसे फेसबुक यूट्यूब इस पर भी आएगा तो ये ऑनलाइन मेला होगा। यहाँ पर दो तरह के प्रोग्राम होंगे, जैसे पहले किसान और वैज्ञानिक लोग बैठ के वार्ता करते थे, वार्ता होगी, और यहाँ की टेक्नोलॉजी के जैसे जगह जगह जो हमारे पास रिकॉर्डेड मटेरियल है तो जहाँ पर फ्रेश लाइव बात की ज़रूरत पड़ेगी तो फ्रेश करेंगे, जहाँ पर रिकॉर्डेड मटेरियल है वहाँ वो करेंगे। वैसे ही जो कंपनीज आती थी अब वो पहले ही हम कॉन्टेक्ट करेंगे, हमने उनसे कहा कि आप 5 मिनट या 10 मिनट का अपना वीडियो बना सकते हैं वो भेजें, तो वो 4 दिन क्या वो आगे के दिनों में भी हम अगले 10 दिन भी चला सकते, उन 4 दिनों में डिस्कशंस और कंपनी के वीडियोस और ये सब कुछ मिला के ये कार्यक्रम ऑनलाइन होगा।